आज का हमारा टॉपिक है सेप्टिक अर्थराइटिस। क्या होता है सेप्टिक अर्थराइटिस? बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मतलब कुछ भी फ्रैक्चर व्रैक्चर होने के बाद ये हो जाता है। अभी अभी जब हम धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये बहुत कॉमन डिसीज है। नाम से क्या समझ आ रहा है? सेप्टिक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन। सेप्टिक का मतलब होता है आपका इन्फेक्शन, ठीक है। अर्थराइटिस का मतलब हम समझते हैं क्या? पेनफुल इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। क्या बोल सकता हूं मैं? अर्थराइटिस का हमेशा ही मतलब होता है क्या होता है कि पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। अर्थराइटिस ऑलवेज अर्थ, जो अर्थ वर्ड आता है ऑलवेज जॉइंट के लिए आता है, आइटिस वर्ड आता है इन्फ्लामेशन के लिए। तो क्या हो रहा है कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, मगर किसकी वजह से? जैसे हम रोमेटोइड अर्थराइटिस पढ़ के आ चुके, उसमें रोमेटॉइड रीजन था। ऑस्टियो अर्थराइटिस पढ़ के आ गए तो वो भी हम पढ़ के आ चुके हैं। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ा था, है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमने बहुत सारे कवर करे हैं। तो ऐसे ही यही है कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो रहा है, मगर रीजन क्या है? रीजन है सेप्टिक, यानी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किससे होता है? सर, बैक्टीरिया से। यानी कोई ना कोई जो फॉरेन पार्टिकल है वो जॉइंट के, जॉइंट स्पेस, और हम जानते हैं जॉइंट स्पेस के बीच में क्या होता है। अगर मैं एक नॉर्मल जॉइंट, मैं एक नॉर्मल अगर नी जॉइंट की इमेज देखूं तो किस तरीके से होता है एक नॉर्मल नी जॉइंट? अभी मैं नी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नी जॉइंट सबसे ज्यादा प्रोन रहता है इन्फेक्शन वगैरह के लिए, इसलिए बात। और ये भी बताऊंगा क्यों होता है, क्या ऐसा रीजन है। एक नॉर्मल ये जॉइंट होता है ना। जॉइंट के बीच में क्या होता है, हम जानते हैं साइनोवियल फ्लूड भरा होता है। साइनोवियल फ्लूड और जॉइंट और ये बोन की आउटर सरफेस होती है, वो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज चढ़ा होता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो ऊपर चढ़ा हुआ ये क्या, ये जो ग्रीन है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना। और इनके बीच में क्या होता है, कौन सा फ्लूड भरा होता है? साइनोवियल फ्लूड भरा होता है, तो इसी को जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो इन्फेक्शन हो जाए उसे कहते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। इफ इन केस अगर वो इन्फेक्शन जॉइंट स्पेस के बीच में ना होकर बोन में हो जाए, उसे बोलते हैं ऑस्टियोमलाइटिस। याद रखना, आज हम सेप्टिक अर्थराइटिस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्टियोमलाइटिस। दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? ऑस्टियोमलाइटिस इज अ इन्फेक्शन ऑफ अ बोन। ये जो बोन है इसका, इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं ऑस्टियोमलाइटिस। और सेप्टिक अर्थराइटिस इज अ इन्फेक्शन विद इन अ जॉइंट, जॉइंट स्पेस के, जो ये जॉइंट स्पेस है इसके बीच में जो जगह है जिसमें क्या आपको क्या रहा है, साइनोवियल फ्लूइड आ रहा है, आर्टिकुलर कार्टिलेज आ रही है, ये सब जो इन्फेक्टेड होंगी उसको बोलते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस। अब माइंड में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर ऐसा है कि सेप्टिक अर्थराइटिस ऑस्टियोमलाइटिस कॉज कर सकता है आगे चल के, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन तो फैलता है ना, बेसिक सी बात है। अगर आज इन्फेक्शन है, हमने उस जगह को ठीक नहीं करा, तो वो आगे बढ़ के फैलेगा। तो जो जॉइंट में है वो आगे चल के बोन को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी बिल्कुल, यानी सेप्टिक अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलाइटिस हो। सर इसका उल्टा बोल दो कि अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोमलाइटिस हो गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सर उसका कॉम्प्लिकेशन सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन का काम ही है फैलना। अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो वो जो इन्फेक्शन किससे हो रहा है, ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बैक्टीरिया तो अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा ना, बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी में एक बार आ गया तो उसका काम क्या है? बैक्टीरिया का एक लेवल, उसका काम क्या है? उसको अपनी कॉलोनी बढ़ानी है, उसको अगर सर्वाइव करना है तो उसे अपनी कॉलोनी बढ़ानी है आपके बॉडी के अंदर। तो वो अब वो क्या करेगा, वो अपना एरिया बढ़ाएगा, वो अपनी जगह बढ़ाएगा। तो बिल्कुल सेम है, अगर जब बोन में होता है तो उसे ऑस्टियोमलाइटिस बोलते हैं, और जॉइंट स्पेस के बीच में होता है उसे सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल याद रखना, बोन में हमेशा ऑस्टियोमलाइटिस होता है, जॉइंट स्पेस के बीच वाली जो जगह है उसमें सेप्टिक अर्थराइटिस होता है, और दोनों एक दूसरे को लीड कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। तो क्या सेप्टिक अर्थराइटिस की डेफिनेशन हुई फिर इस हिसाब से कि सेप्टिक अर्थराइटिस इज डिफाइंड एज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट। यही हमने बात करी, जॉइंट के बीच में आपका साइनोवियल फ्लूइड आ गया, आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज आ गई, है ना। जो भी जॉइंट के बीच में जो जो चीजें होती हैं, जो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सबका इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं जब भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले चीज होती है डेट इज इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी बाहर भी है, क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या है, एक हीलिंग प्रोसेस भी है ना। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आएगा, कुछ भी आएगा, तो इन्फ्लामेशन तो नहीं है। अब इन्फ्लामेशन के 5 गोल्डन रूल हम बार बार पढ़ते हैं, यानी वो 5 चीजें तो हमें मिलनी है। क्या क्या मिलना है? एक रेडनेस मिलना है, एक पेन मिलना है, एक आपको इरिटेबिलिटी इरिटेशन मिलनी है, एक आपको क्या मिलना है, रेडनेस हो गया, एक आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा यानी हीट मिलेगी, ठीक है। और आखिरी में आपको क्या मिलेगी, आखिरी में स्वेलिंग मिलेगी।
यानी ये पांच चीजें तो हमें देखने को मिली, उसका नाम ही आइटिस, क्योंकि हम जानते हैं अगर नॉर्मली भी आपने कभी ये सब फील करा होगा बाहर की तरफ ही, ये तो विद इन अ ज्वाइंट हो गया, कभी इन्फेक्शन बाहर आउटर स्किन पे भी हो जाता है तो भी ये पांचों चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन वहां भी होता है ना। ये क्या है, ज्वाइंट के अंदर है, कैसे पहुंचता है, क्या होता है, वो सबकी बात हम करेंगे आगे। अभी तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि सेप्टिक अर्थराइटिस क्या होता है, और हम बहुत कॉमन सी बात जानते हैं। एक बात बताओ क्या होगा, सबसे पहले बैक्टीरिया पहुंचा, कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, बात खत्म, वो उसकी बात नहीं करनी। हम जानते हैं अगर हमें इंफेक्शन करना है तो क्या होगा, बैक्टीरिया कैसे भी उसे कहां पहुंचना पड़ेगा, इस ज्वाइंट स्पेस के बीच में। अब वो बैक्टीरिया ट्रेवल करके कैसे भी इस ज्वाइंट इंफेक्शन के बीच में पहुंच गया, कैसे, क्या टाइप होते हैं, बाद में बात करेंगे कौन से बैक्टीरिया, लेकिन अभी समझते हैं कि वो बैक्टीरिया इस ज्वाइंट स्पेस के बीच में पहुंच गया। अब वो यहां पर कराएगा इंफेक्शन। बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो सबसे पहले दौड़ के कौन आएगा उन्हें मारने, WBC। अब WBC फटाफट यहाँ पर चले आएंगे, उन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे। अगर ये बैक्टीरिया मर गए तो ये इन्फेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगर ये बैक्टीरिया नहीं मरे और ये बैक्टीरिया में ज्यादा पावर हुई तो वो इन WBC को मार देंगे। फिर बाद में फिर मैक्रोफेजेस आएंगे, वो लड़ने आएंगे। अगर वो इसको मार देंगे बैक्टीरिया को तो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो ये उसको मार देंगे, तो फिर बाद में फिर क्या होगा, फिर वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाएगा, फिर हमें सर्जरी वर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, वो सब करना पड़ेगा। तो क्या हम सिंपल बोल सकते हैं कि इस ज्वाइंट स्पेस में जब हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, WBCs देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बैक्टीरिया भी मिलेगा, WBCs भी मिलेंगे, है ना, और कुछ ऐसे, है ना, जो कुछ सेल डेब्रिस, सेल डेब्रिस का मतलब होता है कुछ मरे हुए बैक्टीरिया, कुछ मरे हुए WBCs, न्यूट्रोफिल्स, कुछ आसपास की चीजें जो डेथ हो चुकी हैं, जैसे कुछ आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब हो गया वो भी उसके टुकड़े मिलेंगे। तो सेल डेब्रिस का मतलब होता है सेल का कचरा, है ना, ये सब वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी आपको इन सब में मिलेंगे, और यही सब क्या करते हैं कि पस और इन्फेक्शन को कॉज कराते हैं। तो क्या होगा, सेप्टिक अर्थराइटिस डिफाइंड एज द बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ द ज्वाइंट विच कॉज एन इंटेंस इन्फ्लामेशन। अब हम इन्फ्लामेशन समझ गए, क्योंकि बैक्टीरियल है, क्योंकि वहां पर हीलिंग होगा तो इन्फ्लामेशन एक हीलिंग प्रोसेस है, वो तो उससे तो चलना ही पड़ेगा, वरना आप ठीक कैसे होंगे हम, है ना। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तो चलना ही है, किसी के रिस्पॉन्स में हमेशा होती है, इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विद माइग्रेशन ऑफ, माइग्रेशन यानी माइग्रेट कर जाएंगे कौन, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। व्हाट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, सेकेंड ईयर में हम पूरा पढ़ के आए, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर साइट्स इज अ टाइप ऑफ WBC। कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, डेट इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वो क्या काम है, डेट रिलीज्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, जो भी बॉडी में ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो तुरंत WBCs छूटती हैं, और WBC के अंदर जो मेजर न्यूट्रोफिल्स, इसनोफिल्स, बेसोफिल्स है, ये सब आके कलेक्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया को मारने, उन सबको बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यानी सर जब हम टेस्ट करेंगे तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं वो बढ़े हुए मिलेंगे, बिल्कुल। जब इसका डायग्नोस पढ़ोगे तो उसमें एक डायग्नोस आपको ये भी मिलेगा कि जो आपके WBC से वो ब्लड में भी बढ़े मिलेंगे, प्लस जब हम ज्वाइंट स्पेस के बीच का फ्लूड बाहर निकालेंगे तो उसमें भी हमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे। ये देखो ये आपकी बोन है, ये बीच में देखो क्या, ये रेडनेस, ये सब क्या शो कर रहा है, ये सब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शो कर रहा है, और जो इसमें दिख रहा है ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स है। आउटर से देखो ऐसा दिखेगा पेशेंट, एकदम रेडनेस है, स्वेलिंग है, आप अगर उसको टच करोगे तो उसे इरिटेशन भी फील होगी, उसको पेन हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिल रही है, आप देखो टच करने पर हीटिंग भी मिलेगी, रेडनेस भी है, इरिटेशन भी मिलेगी, है ना, और उसको पेन तो फील होना ही, और स्वेलिंग हमें दिखी रही है, तो ये सारी चीजें हमें वहां पर नजर आने वाली हैं। नी का, नी बहुत कॉमन होता है, बाकी किसी भी जॉइंट के बीच में हो सकता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स, ऐसा नहीं है, देखो ये मेटाकार्पल जॉइंट्स में, मेटाकार्पल में हो सकता है, मेटाटार्सल में हो सकता है ना, मेटाकार्पल में हो सकता है, क्या होता है, प्रोक्सिमल फेरेंजियल जॉइंट है ना, डिस्टल में, ये देखो बिग टो में, है ना, नी में, ऐसे अलग अलग करके, लेकिन मोस्ट कॉमन हो जाता है नी में। नी में इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वो जॉइंट मोबिलिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, और स्पेस अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ वहां से जो ट्रेवल करके आ जाता है ना वो यहाँ पर ज्यादा पहुंच जाता है। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर मैं आपको एक बहुत कॉमन बताता हूँ, इंडियंस की फीमेल्स में थोड़ा ही आपको मालूम, वैसे कॉमन मेल फीमेल में कोई इसका वैसे रेशियो है नहीं डायरेक्टली, लेकिन इंडियन फीमेल ऐसा मेल्स में भी बराबर है, फीमेल में भी है, लेकिन फीमेल की नीम का एक रीजन बताता हूँ कॉमन है, इंडियन रिसर्च में पता चला। अगर आप लोगों ने कभी रियलाइज कराओ कि घर पे जो जो
फीमेल्स होती हैं या फिर जो काम करने वाली आती है, तो वो जो पोछा लगाती है, पोछा मतलब वो सफाई करती है ना वो कपड़े का और पूरा जमीन पे, तो वो क्या करती है, वो किस क्वाड्रीपोड पोजीशन में बैठ के लगाती है, कि उनके जो नीज होते हैं वो हमेशा किस पोजीशन में होते हैं, जमीन जमीन से लगे हुए होते हैं, होते हैं ना, और वो उसी पोजिशन में बैठ बैठ कर सब जगह लगाती है और कंटिन्यूसली इधर उधर क्या करती है, अपनी जगह से शिफ्ट होती रहती है और लगाती रहती है। तो उस पोजिशन की वजह से वो पोजीशन बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं किसी भी इंफेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर अगर उनके कोई भी कट हुआ या कुछ भी ब्लड हुआ तो बहुत इजीली बैक्टीरिया है वो माइग्रेट कर जाएंगे नीज में। वो पोजीशन बहुत ज्यादा ऐसी होती है क्योंकि आप वो ऐसा ना साफ सफाई गंदगी सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, उसी गंदगी में बैठ कर उसे वो साफ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उस पोजिशन को इंडियन, क्योंकि ये इंडियन फीमेल में कल्चर यहाँ ज्यादा है इस तरीके से पोछा लगाने का, और बाहर क्या है, बाहर तो वो एक स्टिक वाला लेके और उस तरीके से साफ कर देते हैं, तो वो जो है ये वो ज्यादा इंडियन फीमेल्स में क्या कर देता है, नी का सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज करने का वन ऑफ रीजन बन जाता है। अब वो डायरेक्टली नहीं बनता, अब आप सोचोगे सर ऐसे तो कितनी सालों से करता क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं बनता, डायरेक्टली मतलब सर कैसे, कि इससे पहले कुछ हो गया हो, कुछ भी, जैसे कोई पहले कट लग गया हो या पहले कोई वहां पर ब्लड ब्लड कभी कोई चोट लग गई हो, बुंड हो गया हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, है ना, तो अब वो प्रॉपर हील तो हुआ नहीं और लगे हुए हैं करने में, तो क्या हुआ, बुंड या किसी इंफेक्शन में कट है, वहां पर कट है, तो वो बैक्टीरिया के लिए प्रोन है, वो बैक्टीरिया को बिल्कुल बस सिर्फ अंदर एंटर करना और इंफेक्शन कॉज करा देगा, उसे कोई मेहनत नहीं करनी अंदर एंटर करने की, क्योंकि जगह तो आपने दे दी। हमेशा याद रखो बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी के अंदर एंटर करने की, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कब होती हैं किसी को इन्फेक्शन, जब किसी को फ्रैक्चर हो या फिर मेन जब स्किन कट गई हो, तभी तो आप सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स क्यों खिलाते हैं, कुछ भी सर्जरी हो या किसी के बाद भी थोड़ा बहुत भी स्किन कट जाती है या बाहर चोट लग जाती है, डॉक्टर बजा तुरंत एंटीबायोटिक सबसे पहले लिख के देगा, क्यों, क्योंकि आपकी स्किन कट गई है, आपका सबसे बड़ा जो बैरियर है बॉडी में अंदर की, वो आपकी स्किन है, और अगर उसमें थोड़ा भी कंट्यूजन या लेसरेशन कट लगता है तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया कोई इतना बड़ा साइज में नहीं कि आपको नजर आएगा, बिल्कुल कितना नेग्लिजिबल मतलब समझ रहे हो, तो वो बिल्कुल इजिली एंटर कर सकता है किसी भी थ्रू, किसी भी पाथ के थ्रू, किसी भी रास्ते से एंटर करके वो आपके ज्वाइंट में इंफेक्शन कॉज करा सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एंटीबायोटिक सबसे पहले दे देते कि भैया एंटीबायोटिक ले लो, भले आपको कोई हुआ हो या ना कुछ हुआ, क्योंकि आगे चल के ना हो जाए। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोलाइट समझ गए हो क्या था, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स डेट रिलीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ये सब हो रही तो बॉडी में ये रिलीज करती हैं, ये क्या है, बॉडी की एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस है, हम जानते हैं नॉर्मली ये सब हमें वहां बड़े हुए मिलेंगे। अब क्या होगा, अब जो वहां पर बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, हमने बात सीधी सी बात है, उसको अपनी जगह बनानी है। देखो आपके बॉडी में सब कुछ अपनी जगह के अकॉर्डिंग बना हुआ है, बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा जब उसे अपना घर बनाना है, तो वो आपके अंदर की चीज है उन्हें तोड़ेगा, अंदर क्या है हमने बात करा, साइनोवियल फ्लूइड है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसे तोड़ना वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबसे पहले अगर सेप्टिक अर्थराइटिस है तो उसे तोड़ेगा, अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया बोन वाला तो वो बोन को करेगा पहले, फिर बाद में जब फेल फेल के फिर वो ज्वाइंट स्पेस के बीच में आएगा, सेप्टिक अर्थराइटिस में क्या होगा, पहले ज्वाइंट स्पेस के अंदर की जो चीजें हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज जो भी अंदर के पहले वो टूटेंगी, फिर जब वो ट्रेवल कर जाएगा सीवियर हो गया इन केस, तो फिर वो बोन को अपने उसमें लेगा, ठीक है, तो दिस विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड लेटर द ज्वाइंट। सबसे पहले क्या, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो बोन के ऊपर है, ये जो बोन के ऊपर ये दिख रही है ना, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, सबसे पहले इसको इन्वॉल्वमेंट में ले लेगा, फिर यहाँ पर पूरे में फैल के फिर ये पूरे जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में लेकर और पूरे जॉइंट को इन्फ्लामेट कर देगा, है ना, पूरे जॉइंट में इन्फेक्शन को फैला देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या लिखा है, दिस कुड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड लेटर द जॉइंट, यूजुअली कॉज्ड बाय होता है स्टेफलोकोकस ओरियस, बैक्टीरिया के नाम याद रखना है, स्टेफलोकोकस ओरियस सबसे ज्यादा होता है, ये स्टेफलोकोकस ओरियस इज अ मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, क्या बोला बात मैंने बोली, क्योंकि सेकंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टेफलोकोकस ओरियस इज अ मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, ये डायरेक्टली वैसे इतना कुछ नहीं कर पाता, डायरेक्टली आपके आसपास बहुत होगा तो इतना नहीं कर पाता, इसको बस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बस कैसे भी बॉडी के अंदर ये घुस जाए फिर तो ये बैंड बजा देगा, अगर सबसे बड़ी पावर इसकी यही है कि बस ये घुस जाए, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं, अगर इसको अपॉर्चुनिटी एक बार मिल गई तो फिर ये सब कर देगा, तो मोस्ट कॉमन क्या है, और स्टेफलोकोकस ओरियस सेप्टिक अर्थराइटिस क्या, मोस्टली इन्फेक्शन में भी सबसे पहले नाम स्टेफलोकोकस ओरियस के ही आता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है, कि आप खुद दिमाग लगाओ एक जॉइंट के स्पेस के बीच में पहुंचना इतना इजी है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, डायरेक्टली नहीं, उसे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो लेनी ही पड़ेगी, तो इसलिए इसमें जो सबसे पहले नाम आएंगे वो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया के प्राइमरी पहले उनके नाम आएंगे, फिर नीचे की तरफ कोई और बैक्टीरिया आएंगे जो इन जो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं जिनमें इतनी पावर है,
ठीक है, तो स्टेफलोकोकस हो या अदर्स, कैसे ई कोलाय, प्रोटियस, स्टेप्टोकोकस, और ये सारे भी आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही कॉजेस आपके। और कैसे हमने बात करी, मोस्ट कॉमन कौन है, स्टेफलोकोकस ओरियस, ये 50% तो अकेला यही कराता है। और ये जॉइंट इन्फेक्शन नहीं, यहाँ पे समझ लो मोस्टली इन्फेक्शन को स्टेफलोकोकस ओरियस बहुत ज्यादा, क्योंकि इट इज अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, इसको बस एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए फिर तो ये हार नहीं मानता, फिर ये करा के ही मानता है। अगर एक बार बॉडी के अंदर एंटर हो जाए तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इसको कराए, ये एक बार बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो इन्फेक्शन करा के ही मानता है, फिर आपको एंटीबायोटिक या फिर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो सर्जरी वर्जरी करके इसको निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद जो स्टेफ्लो है वो एक पर कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफ्लो फिर स्ट्रेप्टोकोकस, 20%, इतना परसेंटेज वाइज एक का याद रखो बस, कि स्टेफ्लोकोकस ओरियस नियर अबाउट 50% करता है, फिर बाकी सब भी करते हैं, जैसे स्टेफ्टोकोकस हो गया, नीमोकोकस, ई कोलाय, गोनोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये लाइन याद रखनी है कि बच्चों में जो सबसे ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया है वो कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स, तो उन बच्चों में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और बड़ों में कौन सा है, स्टेफ्लोकोकस ओरियस। ठीक है, ये जरूर आप याद रखेंगे। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब होता है वही मैं जो इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, क्या अपॉर्चुनिटी देना, ये प्री डिस्पोजिंग, कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम है जिसने उस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी दे दी। दिमाग लगाओ क्या होगा, ट्रोमा, ट्रोमा मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बुंड हो गया, कोई आपके चोट लग गई, स्किन कट गई, ये सब ट्रोमा वगैरह, तो वो क्या हो गया, मोस्ट कॉमन क्या हो गया, बैक्टीरिया के लिए, इन्फेक्शन के लिए वो जगह बना देगा। डायबिटीज, डायबिटीज तो मतलब सभी चीजों में लिख दो, डायबिटीज क्या है, अब डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हम पढ़ चुके हैं डायबिटिक फुट, कि थोड़ा बहुत भी डायबिटिक फुट इसलिए होता है, जैसे ग्लूकोज ज्यादा होता है तो फुट में थोड़ा बहुत भी कोई चोट लगी, अब क्या होता है, डायबिटीज प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देता है, डायबिटीज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर आपको थोड़ी भी बुंड इन्फेक्शन हुआ ना, कुछ भी बुंड इन्फेक्शन बोल रहा हूँ, कोई भी बुंड हुआ, चोट लगी, तो डायबिटीज उसको हील नहीं होने देता जल्दी, क्यों, क्योंकि ब्लड में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है, अब ग्लूकोज क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया के और उन सब के लिए खाने के लिए अपॉर्चुनिटी है, उन सबको पावर देने के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया अगर अंदर एंटर कर जाता है ना, तो उसके लिए तो उसका घर मिल गया, उसे फेवरेट जगह मिल गई, एक नॉर्मल के अंदर एंटर करेगा तो उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लेकिन डायबिटिक पर्सन के लिए तो बढ़िया ग्लूकोज है, तो उसके लिए तो उसका घर मिल गया, मतलब जो एक आया वो 100 के बराबर हो गया, डायबिटीज वाले में एक बैक्टीरिया 100 के बराबर हो जाता है, इसलिए उनमें थोड़ा भी उनका भी अगर कभी चोट लगते कुछ होती तो प्रॉपर हील नहीं हो पाती जल्दी, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, वो क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है एक बैक्टीरिया उन सब के लिए, तो ये जो डायबिटीज वाली है, इसलिए आपने देखा डायबिटिक फूड कितना ज्यादा नेक्रोसिस गैंग्रीन फ्रॉम है, उसको इवन एम्प्यूटेशन तक करना पड़ जाता है, फुट काटना पड़ जाता है, तो डायबिटीज वाले में क्या कि ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है बैक्टीरिया के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो डायबिटीज हो गई, स्टेरॉइड थेरेपीज, वाई स्टेरॉइड, हम बहुत सारे इतने पढ़ के आ चुके हैं उसमें, सब में हम स्टेरॉइड थेरेपी का जब भी ट्रीटमेंट पढ़ा है, और सबसे ज्यादा स्टेरॉइड थेरेपी का ट्रीटमेंट हम पढ़ते थे इम्यून डिसऑर्डर में। स्टेरॉइड थेरेपी का काम क्या होता था, स्टीरॉयड थेरेपी आपकी इन्फ्लामेशन तो कम करती है, ठीक है भैया, लेकिन वो साथ साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देती है। हमने कितने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में पढ़ा था कि वहां स्टेरॉइड इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी, जो इम्यून पावर है वो आपकी अगेंस्ट हो जाती है, तो स्टेरॉइड क्या दो क्या काम कर देती है, इन्फ्लामेशन भी कम करके और प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी, लेकिन उस जगह पे खतरा दूसरा भी है कि भले वो डिसीज से बच गए लेकिन दूसरी डिसीज तो आपको घेर लेंगी। जैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बताओ किस चीज में स्टेरॉइड थेरेपी का हुआ था, कोविड के समय पे, कोविड के समय पे बहुत सारे पेशेंट जो एक्सेसिव अमाउंट में बीमार हो गए थे, क्योंकि वो जो वायरस था वो क्या करता था, बॉडी को भयंकर तरीके से लंग्स को खराब करता था। अब क्या होता है, जितना ज्यादा लंग्स अफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा, और जितना ज्यादा इन्फ्लामेशन होगा वो कितना खतरनाक होगा, पेशेंट की डेथ का बहुत कॉमन रीजन बन जाएगा इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा। तो जो एनसेट्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी, उनसे ज्यादा पावर के होते हैं स्टेरॉयड, स्टेरॉइड थेरेपी जो इन्फ्लामेशन को कम करती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये इन्फ्लामेशन में तो बॉडी को कम करती है, अच्छी बात है, मगर ये साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी गिरा देती है। तो यही कोविड के केसेस में हुआ, क्या हुआ कि हमें मजबूरी में देना पड़ा, हमने एक्सेस, हमने बहुत सारी अमाउंट में पेशेंट को स्टेरॉइड दी, खाओ खाओ कि उसकी जान बच जाए, उसकी जान तो बची, मगर ऐसे ऐसे फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, क्रीम फंगस, ग्रीन फंगस, ये से कैसा कह, ये जो इतने सारे इन्फेक्शन तो पेशेंट को हो रहे थे, इतनी सारी बीमारियां हो रही थी, इवन पेशेंट को, कुछ लोगों को डायबिटीज नहीं थी, उन्हें डायबिटीज हो गई, कितनी सारी बीमारियां लग गई, हार्ट अटैक से मर गए, कई इससे मर गए, मतलब कोविड ठीक होने के बाद वो और 10 बीमारियों से मर गई, क्यों,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बीमारियां पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लैक फंगस थी, ये जो व्हाइट फंगस थी, क्रीम फंगस थी, ग्रीन फंगस थी, येलो फंगस थी, ये फंगस पहले से नहीं थी या अब नहीं है, हमेशा होती है, मगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उन फंगस को जब भी आती है मार देती है। लेकिन स्टेरॉइड कैसे आपकी इम्यूनिटी गिर गई, तो छोटी मोटी फंगस भी आपकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। ठीक है, तो स्टेरॉइड थेरेपी क्यों, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को गिरा देगा, और आपकी इम्यूनिटी गिर गई तो आपको ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैलिग्नेंसी मतलब अब ये तो कैंसर है, आप समझते हो कि बॉडी में मैलिग्नेंसी उनका काम ही है डब्ल्यूबीसी को मारना। कैंसर की सबसे बड़ी गड़बड़ यही है, कैंसर से आप फिर भी ठीक हो जाओ, जो बिनाइन, दो कैंसर होते हैं बिनाइन और मैलिग्नेंट, जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है जो फैलता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है कि उसका सबसे पहले काम है कि आपके डब्ल्यूबीसी को खत्म करना। क्योंकि हमेशा याद रखो, किसी भी कंट्री में अगर आपको फाइट करना है तो जो सबसे पहले उनके वॉरियर्स है उनको खत्म करना है। अगर आप यही वॉरियर्स खत्म हो जाएंगे तो अंदर तो जाके हम सब कर देंगे। तो कैंसर क्या करता है, सबसे पहले आपके डब्ल्यूबीसीज पे अफेक्ट करता है, पहले उनको खत्म करता है, बोलता है जो हमें मारने आएंगे पहले उन्हें ही मार दो, फिर बाकी तो हम सब कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये और ऐसी मैलिग्नेंसी और ऐसी बहुत सारी चीजें आप दिमाग लगा सकते हो जो आपको क्या है, इन्फेक्शन और ये सब आपको कॉज करा सकती है। ठीक है, अभी हम बहुत सारे आगे चल के रूट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन, जैसे देखो एक तो दो रूट हो सकते हैं, दिमाग लगाओ क्या। पहला हो सकता है प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट मतलब सर कि डायरेक्टली वहीं पर, जैसे नी जॉइंट को मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लो, तो नी में अगर वहीं पर कोई बोन इन्फेक्शन हो गया तो डायरेक्ट वहीं से बैक्टीरिया एंटर कर गया डायरेक्टली। सेकेंडरी हो सकता है क्या सर, कि सेकेंडरी मतलब कि वहां से एंटर ना करके, क्योंकि आपके नी पर तो कुछ नहीं हुआ फिर भी आपको नी पर हो गया इन्फेक्शन, कैसे हो सकता है, गैस कर के सर वो बैक्टीरिया ब्लड में हो, क्या आपके थ्रू जैसे कोई बैक्टीरिया आपके है ना ब्लड ब्लड में चला गया, मतलब जैसे आपको कहीं और कहीं हुआ, कहीं और इन्फेक्शन था बॉडी में और कहीं इन्फेक्शन हुआ, मगर वो बैक्टीरिया ब्लड में ट्रेवल करके आपके जॉइंट्स में पहुंच गया, तो वहां इन्फेक्शन कॉज करा देगा, तो वो सेकेंडरी रूट हुआ। प्राइमरी तो ना, प्राइमरी डायरेक्टरी रूट, सेकेंडरी रूट कौन सा, कि ब्लड हिमेटोजेनियस रूट इज अ सेकेंडरी रूट, कि वहां पर आपको नी जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नी आपका कंप्लीटली ऑल राइट था, और फिर भी आपने देखा कि यहाँ पर आपको क्या हो गया, सेप्टिक अर्थराइटिस हो गया कुछ दिनों बाद, कैसे, कि कहीं और इन्फेक्शन हुआ था वो ट्रेवल करके आ गया, या फिर जरूरी नहीं है कि कोई और इन्फेक्शन हुआ हो तभी, ऐसा हो कि बैक्टीरिया अंदर आ गया हो, बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया हो कैसे भी ब्लड में, और वो सीधा जाके आपके ज्वाइंट में चला गया, और सबसे पहले इन्फेक्शन उसने आपके ज्वाइंट में ही कराई, जरूरी तो ना कि उसने वो पहले कहीं और कराए उसके बाद वो फिर ब्लड में ट्रेवल करके आए, अब वो डायरेक्टली आपके ब्लड में आ गया हो कैसे भी आ गया हो, कहीं भी किसी भी रूट से। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें हो सकता है। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी वगैरह, हेमेटोजेनियस इज ऑलवेज बी अ सेकेंडरी रूट। ठीक है, ये आप याद रखना, और जो डायरेक्ट वुंड इन्फेक्शन के थ्रू डायरेक्टली आ गए वो सब आपके क्या होंगे, प्राइमरी रूट होंगे। ठीक है, ऐसा दे मेल्स फीमेल्स का डायरेक्टली कोई रेशियो नहीं है, लेकिन फिर भी देखा गया कि थोड़ा बहुत मेल्स में ज्यादा मिल जाता है, ड्यू टू के मेल्स में डायबिटीज ज्यादा मिलती है। ठीक है ना, तो इस वजह से, बाकी ऐसा कोई इन्फेक्शन किसी में भी, कोई में भी ज्यादा हो सकता है, उसी तरीके से है ना ऐसे बड़े बच्चों में भी कोई, किसी में भी कोई हो सकता है, डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ, नी क्यों इतना कॉमन होता है, क्योंकि वो उधर सबसे ज्यादा स्पेस मिल जाता है, और सबसे ज्यादा मोबिलिटी भी आपके बॉडी में जिस ज्वाइंट की है वो नी ज्वाइंट है, मैंने कहा था जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी ही कम स्टेबिलिटी, तो वहां पर क्या अच्छा खासा एरिया मिल जाता है, सब कुछ बहुत प्रोन पेशेंट के लिए, वो बैक्टीरिया की एक अच्छी कंडीशन हो जाती है वहां पर करने के लिए। ठीक है, तो नी पर, अब ये तो परसेंटेज वाइज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो एडल्ट्स में नी बार हो सकता है, हिप एल्बो शोल्डर, और चिल्ड्रन में भी नी, बस इतना याद रखो कि चाहे चिल्ड्रन हो चाहे कोई भी हो, नी सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों में नी और हिप का जो है वो हिप में, क्योंकि हम CDH पढ़ के आ चुके, और भी ऐसी कंडीशन, क्योंकि उनके लिए इतना हिप और नी में अभी डिफरेंशिएबल मार्कर रिमार्केबल नहीं है अभी बच्चों में, इसलिए उनका नी और हिप में थोड़ा गैप कम होता है, इसलिए उनका नी में भी, मतलब नी में फिर भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन बड़ों के कंपेयर में हिप में बच्चों में ज्यादा इसलिए देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी उनके में इतना रिमार्क, इतने भी बोन बनी नहीं है प्रॉपर, जॉइंट अभी इतना कंप्लीटली प्रॉपर फ्यूज हुए नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा आपको याद करने की इतनी परसेंटेज परसेंटेज कुछ याद करने की नहीं है, बस आप एक नॉर्मल याद रखो कि नी में कॉमन होता है। ठीक है ना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब में है ना
बस ये परसेंटेज वाइज याद रखने की कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है। अभी आपको मैंने पैथोजेनेसिस में यही मैंने आपको समझाया था कि दो रूट बताए थे मैंने, कौन कौन से, एक मैंने बताया था प्राइमरी रूट, एक मैंने बताया था सेकेंडरी रूट। ठीक है, प्राइमरी मैंने क्या बोला कि डायरेक्टली वायरस एंटर, बैक्टीरिया एंटर कर जाए, और सेकेंडरी रूट मतलब कि ब्लड के थ्रू। अब ब्लड के थ्रू में भी दो चांसेस हो सकते हैं, कहीं और इन्फेक्शन हुआ था तो वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके ब्लड के थ्रू आपको इधर हो गया, या फिर डायरेक्टली जरूरी नहीं है कहीं और हुआ हो, बैक्टीरिया आया ब्लड के अंदर एंटर करा और पहला ही उसने आपके जॉइंट में करा दिया। तो ठीक है, तो कौन कौन से तीन रूट हो गया, पहला तो एक हेमेटोजेनियस हो गया, ये तो इनडायरेक्ट रूट हो गया। अब डायरेक्ट में आपके दो हो सकते हैं, क्या, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एडजेसेंट फोकल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑस्टियोमलाइटिस। कैसे सर, इसको ऐसे समझो, सपोज करो किसी पेशेंट को जो ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन हुआ है वो इस जगह पर हो गया बोन के इसी पार्ट में। अब इसके लिए कितना इजी है, कितना इजी हो जाएगा सेप्टिक अर्थराइटिस कराने के लिए, वो बोन के इस पार्ट में हुआ है कि उसके जस्ट बगल में जॉइंट है, अगर वो थोड़ा भी बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करेगा वो तुरंत जॉइंट में एंटर कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्ट स्प्रेड हुआ फ्रॉम एडजेसेंट फोकल इन्फेक्शन, डायरेक्ट जॉइंट में नहीं आया, डायरेक्ट जॉइंट में इन्फेक्शन नहीं आया तो फिर सर कि डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एडजेसेंट फोकल इन्फेक्शन, कोई आसपास उसके एक फोकल इन्फेक्शन था उससे डायरेक्टली आ गया, उससे बिल्कुल डायरेक्टली आ गया ना, कि समझो कि जो ऑस्टियोमेलाइटिस बोन का इन्फेक्शन हुआ तो बिल्कुल जॉइंट के बिल्कुल पास में ही हुआ, कि प्राइमरी तो आपको ऑस्टियोमेलाइटिस हुआ था, सेप्टिक अर्थराइटिस नहीं हुआ, मगर वो थोड़ा भी अगर बैक्टीरिया अपनी फर्दर ग्रोथ करेगा तो वो तुरंत आपको क्या कॉज करा देगा, सेप्टिक अर्थराइटिस। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एडजेसेंट फोकल, और थर्ड वन तो आप समझ ही रहे हो, दैट इज डायरेक्ट ऑन्कुलेशन, यानी सीधा आपके जॉइंट में ही पहुंच गया बैक्टीरिया, है ना, कोई एकदम वोंड इतना खतरनाक, या सर्जरी हुई आपके जॉइंट की, या आपके इतना खतरनाक चोट लगी वोंड की, इतना खतरनाक अंदर तक पूरा इन्फेक्शन पहुंच गया, तो बिल्कुल डायरेक्टली ही पहुंच गया ना। और आप दिमाग लगा सकते हो, डायरेक्टली वाला बहुत अनकॉमन है, अनकॉमन है वो, जब कॉमन है कि सर्जरी वर्जरी हो, इतना आप सोचो इतना ट्रॉमा खतरनाक हुआ हो या सर्जरी, तो मोस्ट कॉमन क्या बन सकता है कि आसपास का कोई फोकल इन्फेक्शन है वो पहुंच गया या ब्लड के थ्रू पहुंच गया, तो ऐसी चीजें ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू, उसके लिए आपको मेजर सर्जरी या बोन इन्फेक्शन या इतना कुछ कराना पड़ेगा। और हमेशा याद रखो जब भी मेजर सर्जरी हो ये सब होती है तो हमेशा पेशेंट को हैवी एंटीबायोटिक्स पे हमेशा ही रखा जाता है कि ऐसा कोई आगे चल के नौबत नहीं आए। ठीक है, तो ये हमने इतना समझ लिया। अब कुछ हम क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे कि अगर न्यू बोर्न में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो क्या साइन सिम्टम्स दिखाएगा, चिल्ड्रन क्या दिखाएंगे, एडल्ट क्या दिखाएंगे, है ना। अब वो ही देखो हमेशा, बस वो पांच इन्फ्लामेशन के गोल्डन रूल याद रखो, बस उसी को अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ करके लिख दिया, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, टेम्परेचर इंक्रीज और इरिटेशन, उसी इन पांच पॉइंट को अलग अलग लैंग्वेज में आप बना के लिख सकते हो। कि जैसे न्यू बॉर्न इन्फेंट आप पता, ये तो आपको बोल के बता नहीं देगा कि सर वो मेरे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो क्या करेगा, ये रोएगा, इरिटेबल बेबी होएगा, उसको दर्द होगा तो वो रोएगा। तो न्यू बॉर्न में क्या लिखोगे, इरिटेबल बेबी एंड रिफ्यूज टू फीड, खाने पीने से मना करेगा, ये तो बेबी की पहचान है कि उसको कोई भी तकलीफ हो तो वो सीधा खाना पीना बंद कर देता है, कि उसका साइन है कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ इरिटेशन हो रही है, तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कहीं, है ना, बहुत सारी डिसीजेस में कि कहीं उसको सेप्टिक अर्थराइटिस तो नहीं है। ठीक है, तो इरिटेबली पॉइंट हो गया, टैकीकार्डिया विद फीवर हमने कहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो फीवर तो देखो हमेशा याद रखो, कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में, सॉरी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, फीवर तो आना ही आना है, फीवर तो सबको आना है, बॉडी में थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होगा, क्योंकि फीवर क्या है, दिमाग लगाया, फीवर आपको कोई गलत नहीं है, फीवर आना, पेन होना, ये बहुत अच्छे साइन है बॉडी में, क्यों भैया, अगर दिमाग लगाओ, अगर आपको फीवर नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको फीवर नहीं तो फिर यही तो दिक्कत है आपको, अगर पता चल जाए, कभी ये मत सोचो, कभी भी साइन सिम्टम्स आए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके बॉडी ने आपको बता दिया कि देखो ये प्रॉब्लम हुई थी, हम इसको नहीं संभाल पाए, अगर हम संभाल पाए तो हम अपने लेवल पर ठीक कर लेते, नहीं हो पा रही, अब इतने साइन सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम, आप उसको ठीक करा लो, अगर साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे अंदर प्रॉब्लम होती चली जाएगी, तो जब एडवांस लेवल पर फिर आपके हाथ में भी कुछ नहीं था। तो टेम्परेचर राइज बॉडी का इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी अपना टेम्परेचर राइज कर देती है इतना ज्यादा कि जो बैक्टीरिया जो अंदर फॉरेन पार्टिकल्स एंटर हुए हैं तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर उनकी डेथ हो जाए, वो मर जाए, प्लस आपकी पूरी बॉडी को अवेक कर देती है, सबको डब्ल्यूबीसी रखे बॉडी में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है,
ठीक है ना। तो ये फीवर इसी का साइन होता है, पेन इसका साइन है कि आपके बॉडी को अवेक करना, आपके आसपास के मसल्स को बता देना कि देखो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ मूवमेंट मत करो, तकलीफ क्रिएट हो जाएगी, है ना। पूरे बॉडी को अवेक कर देना कि यहाँ पर इस तरीके से, आपको बता देना, आपको ये आपके बॉडी के साइंस होते हैं। ये आपके क्या है, ये पेन होना, फीवर होना, ये आपके साइंस है अच्छे जो आपको बता रहे हैं कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और ये वो भी साइंस है जो आपको बता रही है कि आपके बॉडी में हीलिंग भी चल रही है। टेम्परेचर राइज होना, पेन होना, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में साथ साथ आपकी बॉडी पूरी कोशिश कर रही है हील करने की, कि जो जो फॉरेन आई है और जो सब हुए हैं उसे ठीक कर सकें। ठीक है। तो इरिटेबल बेबी एंड रिफ्यूज टू फीस, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना, फीवर, ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं, ये सब में ही दिखेंगे, फीवर वगैरह होना, है ना। और वार्म्थ ज्वाइंट, यानी हमने हीट बात करी थी, देखो यही 5 पॉइंट में रहेंगे। टेम्पर देखो रखा है, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, टेम्परेचर और इरिटेबिलिटी। तो वार्म्थ जॉइंट है ना, टेंडरनेस मतलब टच करने पे उसको पेन फील होगा, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, अभी तो आप दिमाग लगा ही सकते हो, जब जॉइंट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर इन्फेक्शन है और वहां पर इतना कुछ हो गया, तो आप पेशेंट मूवमेंट कर पाएगा क्या? नहीं, उसके आसपास की जितनी भी मसल है वो सब किस में चली जाएंगी, स्पाज्म में, कि पेशेंट मूवमेंट ना ही करे, वरना जितना मूवमेंट करेगा तो उसे उतना ही इन्फेक्शन और ज्यादा फैलता चला जाएगा। तो हमारा भी काम है कि बिल्कुल जॉइंट को मूवमेंट नहीं करने देना, वरना मूवमेंट करोगे तो बोन पास जाएंगी, दूर जाएंगी, जो चीजें हैं वो मूवमेंट करेंगी और इन्फेक्शन इधर उधर ट्रेवल इजिली कर सकता है, जो वहां पर ब्लड है वो उसके थ्रू इन्फेक्शन ट्रेवल कर जाएगा। तो हमारा यही काम रहेगा कि जब हमें पता चल गया अगर ये पेशेंट को हो गया, इसके ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि हम उसे पेशेंट को इमोबिलाइज कर देंगे, उस जॉइंट को, उसको बोल देंगे कि यहाँ कोई मूवमेंट मत करो जब तक आपका जॉइंट ठीक नहीं हो जाता, वरना मूवमेंट करोगे ब्लड पंप होगा और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आराम से फैल जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। पर आप दिमाग लगाओ, इस कंडीशन पे मूवमेंट हो सकता है? इतनी ज्यादा स्वेलिंग होगी कि मूवमेंट तो वैसे ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? सीवियर थ्रॉम्बिंग, पेन है, स्वेलिंग है, और ये सब दिख रहा है ना, रेडनेस दिख रही है अफेक्टेड ज्वाइंट पे, हाई ग्रेड फीवर, मलेज का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनवेल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चिल्ड्रंस में क्या मिलेंगे? एक्यूट पेन इन सिंगल लार्ज जॉइंट, खतरनाक पेन मिलेगा। लेकिन बच्चों में क्या, जनरली सिंगल जॉइंट, जो क्योंकि मैंने बात करी ना कि बच्चों में हिप और नी में हिप ज्यादा, वो हिप वगैरह अफेक्ट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट, तो उनके जो लार्ज जॉइंट है उनमें खतरनाक